ऑल राइट right, तो चलो अब हम रिवाइज़ करते हैं मॉडर्न फिजिक्स राइट तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बेसिकली इमेजिन समथिंग लाइक दिस कि कोई एक स्कैम चल रहा है ठीक है तुमने क्या किया तुमने एक सौ दिए ये भाई बीस रुपये रख रहा है और ये बाकी के सौ रुपये तुम्हारे दोस्त को दे रहा है ठीक है फिर तुमने एक सौ डाले इसने फिर से बीस रख लिया फिर से एक तुम्हारे फ्रेंड को दे दिया एक सौ तुमने दिए बीस रुपये फिर से रख लिया एक आगे दे दिए राइट right. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि मान लो तुमने इस बार अठारह डाल दिया क्या होगा अठारह तो ये रख लेगा आगे कुछ नहीं भेजेगा तो यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तुम्हारी मिनिमम एनर्जी होती है फाई ठीक है जब तुम एनर्जी सप्लाई करते हो ठीक है तो वो पाई जो है ना पहले उसको ऑब्जॉर्ब करता है ताकि वो रिलीज कर पाए इलेक्ट्रॉन को और बाकी जो एक्स्ट्रा तुम्हारी एनर्जी बचती है उसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ठीक है इसी फाई को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ठीक है वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन ठीक है फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट अब यही जो तुम्हारा फाई है ना ये क्या है ये एनर्जी है तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं एच न्यू नॉट तो ये जो न्यू नॉट है ये तुम्हारा थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है दैट इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच लाइट शुड हिट ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो अगर इससे कम हुई ना फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा इससे ज्यादा होगी तब होगा ठीक है अब तुम्हें खुद भी पता है ये जो न्यू नॉट है उसको तुम रिप्लेस कर सकते हो और लिख सकते हो सी अपॉन लैमडा नॉट अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये कैसे आया तुम्हें ये पता होना चाहिए दैट किसी भी वेव जो होती है ना वेव का जो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड होता है वो स्पीड होती है उस वेव की ठीक है तो यहाँ पर देखना लैमडा को दूसरी तरफ भेज दो लैमडा नॉट अपॉन अब देखो लैमडा नॉट इन टू फ्रीक्वेंसी ठीक है इक्वल टू सी ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी वन बाई टाइम पीरियड होता है तो देखो आ तो क्या तुम्हारा तो तुम इसे इस न्यू नॉट को रिप्लेस करके लिख सकते हो सी अपॉन लैमडा नॉट एज वेल और ये जो तुम्हारा लैमडा नॉट है दैट इज योर थ्रेशोल्ड वेव लेंथ थ्रेशोल्ड वेव लेंथ जो है ना दिस इज द मैक्सिमम वेव लेंथ ठीक है ये क्या है ये मैक्स वेव लेंथ है मैक्स वेव का ये मतलब है कि इससे ज़्यादा अगर तुमने वेव कर दी तो सफिशियंट एनर्जी नहीं मिलेगी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन अब आइंस्टाइन ने क्या बोला आइंस्टाइन ने बस इक्वेजन दी आइंस्टाइन ने ये बोला कि तुम कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ये जो एनर्जी है ये पहले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगी फिर उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेगी ये तुम जो इंसिडेंट एनर्जी दे रहे हो वो कुछ एच न्यू एच न्यू हो सकता है या फिर तुम एच सी बाई लैमडा के भी फॉर्म में उसको लिख सकते हो राइट और ये जो फाई है उसको तुम एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो और काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ही रहता है आगे चलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है कि मान लो एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट तो हो गया ठीक है उसके पास एक अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ठीक है हमें उसे स्टॉप करवाना है जस्ट एज एट रीचेज द एनोड तो कैसे करेंगे हम अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल है वो अभी के लिए वी नॉट है तो वी नॉट को हम कंसिडर करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सो ई वी नॉट का गेन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में एंड काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी राइट सो के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट ठीक है जहां पे वी नॉट तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल है आगे चलते कुछ ग्राफ्स देखते हैं ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम देखोगे पहले ग्राफ में करंट वर्सेस इंटेंसिटी प्लॉट किया गया एंड करंट जो है ना वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है इंटेंसिटी के साथ प्लॉट नंबर तुम टू में तुम ये देखोगे कि सारे के सारे स्टॉपिंग पोटेंशियल्स तो सेम है बट सारे के सारे जो करंट है ना इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट जब वो फ्लैट हो जाता है ठीक है यहां पे तुम देखोगे ये वाला करंट जो है इंटेंसिटी आई वन पे वो कम है फिर ये ज्यादा है फिर ये ज्यादा है तो जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा ठीक है करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है या तो वेवलेंथ पर या तो फ्रीक्वेंसी पर है ना अब देखो आगे यहां पे तुम नोटिस करोगे तुमने जो है ना फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी तो इस बार क्या होगा कि तुम्हारा जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग हो जाएगा बट तुम्हारा जो सैचुरेशन करंट है वो तो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था और तुमने इंटेंसिटी सबकी कॉन्स्टेंट रखी है तो सैचुरेशन करंट सेम होगा ठीक है फिर से ये वाला इक्वेशन देखो ये 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 कैसे जनरेट करते है कोई भी इक्वेशन को तो तुम ध्यान से देखना तुम्हें इस फॉर्म में लाना तुम्हें फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करना है तो कैसे लिखोगे पहले फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्म में लिख लो तो ये आ जाता है एच न्यू नॉट एक्चुअली इसको एच न्यू नॉट मत लिखो इसको फाई लिखो एंड प्लस ई वी नॉट ठीक है ई e से डिवाइड कर दो पूरे चीज़ को ठीक है और इसको दूसरे तरफ भेज दो तो एच न्यू माइनस फाई अपॉन ई इज़ इक्वल टू वी नॉट बस ये तुम्हारा क्या आ गया ये आ गया तुम्हारे नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट ठीक है ये आ गया नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट जो कि तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है और ये आ गया तुम्हारा स्लोप एच अपॉन ई e, ठीक है तुम्हारा स्लोप होता है अब देखो यहाँ पे देखो जब तुम फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट देखोगे तो इनिशियली उतना फ्रीक्वेंसी इतना एनर्जी इसके पास नहीं था जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीकवेंसी के ऊपर जाती है करंट अचानक से कॉन्स्टेंट हो जाता है ठीक है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है कि करंट कितना होगा सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी तो वो कांस्टेंट ही रहता है और ये तुम्हें ग्रोथ दिखा रहा है ठीक है आगे चलता है प्लैंक्स क्वांटम थियोरी बस इतना बोलना चाह रहा था भाई अपना दैट तुम्हारे जो एनर्जी है ना दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू ठीक है या फिर एच सी बाई लैमडा ये एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की और फोटोन क्या होता है फोटोन होता है क्वांटा क्वांटा मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी इसी का मल्टीपल में तुम्हें एनर्जी मिलता है अब देखो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट आज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सिंस दिस इज अ रिविजन वीडियो ये देखो ये तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है मैं विलोसिटी वी है तो ये भी एक वेवलेंथ क्रिएट करता है इसका जो वेवलेंथ होता है दैट इज़ एच अपॉन एम वी ठीक है एच अपॉन एम वी या फिर इसको लिख सकते हो एच अपॉन पी ठीक है दोनों सेम ही चीज़ है पी इज इक्वल टू मोमेंटम विच इज़ एम वी ठीक है तो ये तुम्हें क्यों नहीं दिखता दैट इज बिकॉज एच तुम्हारा जो है वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है राइट सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी फोर ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू इसका एंड ऑल ऑफ दैट बट वो जानने की जरूरत नहीं है सिक्स पॉइंट सिक्स ही तुम यूज करोगे और वहां पर स्पेसिफाइड रहेगा तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू है तो ये तुम्हारी आंखों को नहीं दिखता है ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ कुछ तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी इसका स्क्रीन शॉट ले लो एंड ट्राई टू रीड इट योर सेल्फ अब ये देखो यहाँ पे हमने ये तो बोल दिया दैट तुम्हारा जो लैमडा होता है दैट इज एच बाई पी या फिर एच अपॉन एम वी मैं एक चीज़ बता ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर टू को दूसरे तरफ भेज दो तो कैन राइट टू के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अब मैं अगर दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई करूंगा कैन राइट टू एम के ई इज टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर और एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है मोमेंटम का स्क्वायर सो आई कैन राइट पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई राइट तो बस रिप्लेस कर दो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई अब जैसा मैंने तुम्हें पहले बोला था काइनेटिक एनर्जी तुम गेन भी तो करवा सकते हो अक्रॉस अ पोटेंशियल मान लो तुमने पोटेंशियल डाल दिया वी का और तुमने रखा एक इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते जाते कुछ एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है द कानेटिक एनर्जी विल बी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो कानेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा प्रोवाइडेड दट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्वड ठीक है तो ये तुम लिख सकते हो दैट दिस विल बी इक्वल टू ई वी बस रिप्लेस कर दो यहाँ पे एक और तुम्हारे पास आ जाएगा इक्वेजन अंडर रूट टू एम और Ke के ई के जगह ई वी लिख दो बस ई e तुम्हारा क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वी क्या है तुम्हारा पोटेंशियल जिसके अक्रॉस तुमने उसको मूव किया ये भी कुछ कुछ फार्मूला देख सकते हो ठीक है आगे चलते हैं एक्स रेज ठीक है एक्स रेज की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें यहाँ पे दी गई है कंप्लीटली अप टू यू तुम्हें रटने का मन है कि नहीं है बट देखो यहां पे हम ये समझते हैं एक्स रेज जो होती है वो प्रोड्यूस कैसे होती है तुम बेसिकली क्या करते हो तुम इलेक्ट्रॉन को ना एक पोटेंशियल के अक्रॉस रखते हो ठीक है ये क्या करता है ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता है अब ये कोलाइड करता है एनोड के साथ तो जब ये एनोड के साथ कोलाइड करेगा तो ये बताना क्या होता है वेन इट कोलाइड्स विद दी एनोड तो एनर्जी रिलीज होती है ऑल ऑफ अ सडन ठीक है जब कोलाइड करता है वो चिपक जाता है ठीक है तो एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए तो वो रिलीज होती है वो एनर्जी जो रिलीज होती है ना दैट इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन ठीक है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स उन फोटॉन्स की एक वेवलेंथ होती है और वो वेवलेंथ जो है वो एक्सरे के रीजन में लाई करती है इसीलिए लिए एक्सरेज प्रोड्यूस होता है तो तुम ये नोटिस करोगे तुमने मान लो इसको वी पोटेंशियल के अक्रॉस लीव किया है तो ई वी जो है ना वो तुम्हारा कितना दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेंड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इसको तुम इक्वेट कर दो एच सी बाई लैमडा के साथ ठीक है ये लैमडा क्या होगा ये लैमडा मिनिमम होगा दिस इज द मिनिमम लैमडा ये मिनिमम लैंडा क्यों होगा क्योंकि एक तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ हाँ तो ये मिनिमम लैमडा क्यों होगा क्योंकि इससे कम तुम्हें वेवलेंथ मिल ही नहीं सकता है क्यों क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम एनर्जी ही इतनी है राइट right. इसे कम हाँ इसे ज्यादा वेवलेंथ तुम्हें मिल सकता है बट इसे कम वेवलेंथ तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा तो तुम्हारे ये जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो कुछ ऐसा दिखता है कि मान लो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है और वो चलते जाता है ठीक है फाइन और इसके पीछे नहीं आएगा क्यों क्योंकि उतनी एनर्जी ही नहीं है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में बस इसका उल्टा होता है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है तो क्या होता है ना तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो जा रहा है एनोड वाले के पास ठीक है अब वो जब एनोड को हिट करते हैं या कोई भी टारगेट मटेरियल को वो हिट करता है राइट तो क्या होता है कि उसके एटम्स के साथ ना वो कोलाइड कर देता है ठीक है ये मान लो न्यूक्लिया है ये शेल्स है मान लो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन था बाहर से ये जो चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आया मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया वो इसको लेकर के इसे उड़ा देता है वो इसे उड़ा देता है तो क्या होता है कि इस स्पॉट पर एक वेकेंसी आ जाती है इस वेकेंसी को भरने के लिए ऊपर से जो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आ जाते हैं ठीक है वो नीचे आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे एनर्जी रिलीज करेंगे तो सर्टेन वेवलेंथ रिलीज होगी और यही जो वेवलेंथ होती है वो भी एक्सरे में लाई करती है यहाँ पे क्या होता है इंस्टेड ऑफ एन एंटायर बैंड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दो लाइन्स डिस्क्रीटली दिखते हैं ठीक है एक्सरे स्पेक्ट्रम के कुछ प्रकार होते हैं एक होता है के सीरीज एक होता है एल सीरीज एक होता है एम सीरीज सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी हायर ऑर्बिट जंप टू द फर्स्ट ऑर्बिट ठीक है तो उसे हम बोलते हैं के सीरीज फिर जब तुम्हारे सेकंड ऑर्बिट पे आता है तो उसे हम बोलते हैं एल सीरीज और जब तुम्हारे थर्ड ऑर्बिट पर आता है तो हम उसे बोलते हैं एम सीरीज अब उसमें भी होता है के एल्फा एल एल्फा एम एल्फा राइट तुम देखोगे के एल्फा के बीटा तो इसमें क्या होता है अगर टू से वन पे आता है तो वो सबसे पहला लाइन है विच इज के एल्फा के फिर मान लो सेकेंड लाइन देखोगे तो वो थ्री से वन दैट इज के बीटा और फिर सिमिलरली से वन पे तो दैट इज़ के गामा ठीक है है वैसे वैसे होता है अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा फॉर्मूला फॉर एनर्जी ठीक है ये आर तुम्हारा क्या होता है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट राइट एच तुम्हारा क्या होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट जेड क्या होता है अटोमिक नंबर बी क्या होता है एक कॉन्स्टेंट होता है एन क्या है जहां से वो कूद है ठीक है से जहां से मतलब मान लो हायर और बैटल ठीक है तो ये बस तुम्हें पॉजिटिव टर्म रखना है ठीक है डिपेंड करता है कि वो या तो ऑब्जॉर्ब किया एनर्जी या तो रिलीज किया एनर्जी राइट अब देखो यहां पे मोजे इज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोजिले इज लॉ तुम्हें तो ये बोलता है दैट ये जो न्यू है तुम्हारा इसी फॉर्मेट में याद कर लो इट विल बी ईजियर दैट इज ए इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर ठीक है तुम ध्यान से नोटिस करना ये जो a है ना ये तुम्हारा एक कांस्टेंट है b भी तुम्हारा एक कांस्टेंट है z तुम्हारा एटॉमिक नंबर है ठीक है तो तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे तुमसे क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे दैट योर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट z2 z3 z, square, z, cube, z uh, की पावर 4 z की पावर 3/2 ऐसे तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अब ये देखो यहां पे यूजेस डेफिनेटली एक बार देख लेना Uh, बाकी दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट और तो चलो अटोमिक फिजिक्स को अब रिवाइज़ करते हैं सबसे पहले भाई डैल्टनस अटोमिक थियरी सबको पता ही होगा दैट इनडिविजिबल पार्टिकल इनविजिबल पार्टिकल्स नहीं इनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं एटम्स राइट बट अपेरेंटली वो डिविजिबल होता है अब देखो थॉम्सन्स मॉडल क्या था ना थॉमसन्स मॉडल ने पहली बार न्यूट्रलिटी की बात की थी पूरा एटम न्यूट्रल होता है और उसने बोला था कि सब यूनिफॉर्मली ऐसे स्प्रेड होते हैं ठीक है बट उसने कभी भी अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया कुछ भी ऐसे नहीं बताया कि ये स्टेबल कैसे रहेगा स्टेबिलिटी की कभी बात ही नहीं की सो आर अ फ्यू लिमिटेशन टू टू दाम्पसन मॉडल तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन ठीक है एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज स्कैटरिंग बेसिकली इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदर फोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ठीक है तो रदर फोर्ड का यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे कुछ कुछ कंक्लूजनस हैं जो तुम लिख सकते हो बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे तुम्हारे पास एक अल्फा पार्टिकल होता है ठीक है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस होता है राइट right. तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी से आता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जीरो राइट right. अब देखो ये आएगा तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है राइट right. ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये होता है कि बेसिकली वो आता है यहाँ पर आकर के रुक जाता है फिर वो वापस निकल जाता है तो वो कितना पास पहुँच पा रहा है न्यूक्लियर के उसे हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तो हम ये बोल सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी में जितना गेन हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा तो यहाँ तो मैं पता है ना यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाती है मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो सो आई कैन से द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़ पूरा जो इसके पास इनिशियली था के ई -E. अब इसने गेन कितना पोटेंशियल एनर्जी किया वो ध्यान से देखना है इन्फिनिटी पर जीरो है यहाँ आने के बाद क्या होता है तुम्हें भी पता है फॉर्मूला क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर

ये जो तुम्हारा आर है ना यही आर तुम्हारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है अब तुम क्या कर दोगे तुम्हें पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस बस आर को इस तरफ लेके चले जाओ काइनेटिक एनर्जी को इधर डाल दो आंसर तुम्हें मिल जाएगा आगे देखते हैं यहाँ पे लिमिटेशन है तो यहाँ पे इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी तो बेसिकली क्या हुआ था रदर वाले मॉडल uh, में दैट मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी उसने क्या बोला था उसने ये बोला था दैट कभी भी एक चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी है ना एनर्जी लूज़ करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा था कि मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लिया है अगर सर्कुलर मोशन हो रही है मतलब तुम ये तो जानते हो दैट वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा सेंट्रपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही तभी वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है मतलब वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड एफ इट इज़ लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन तो वो सीधा कैनेटिक एनर्जी लूज करके सीधा कोलाइड कर जाना चाहिए था कोलेप्स हो जाना चाहिए था पूरा का पूरा यूनिवर्स इन टेन टू द पर माइनस एट सेकेंड्स बट ऐसा नहीं होता है तो इट वॉज एन एबल टू एक्सप्लेन दैट एंड फिर आता है लाइन स्पेक्ट्रम ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बोर्स क्वान्टाइजेशन कंडीशन बोर ने ऐसा बोला था कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली किसी शेल में नहीं घूमता है वो सिर्फ उन शेल्स में घूमता है जहाँ तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई ठीक है ये एच क्या है ये तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है टू पाई क्या है टू पाई बेसिकली तुम्हारा भाई कांस्टेंट है एम क्या है मास वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आर क्या है रेडियस जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है एन क्या है एन उस ऑर्बिट का नंबर है फाइन ठीक है एन तुम्हारा बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन टू थ्री फोर शेल नंबर जो भी बोला तो रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर शेल या फिर ऑर्बिट क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वायर बाई जेड वेलोसिटी इनिकुलर ऑर्बिट इज टू पॉइंट इंटू जेड बाई एन प्रोपोर्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर तुम्हारा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी इज डायरेक्टली टू जेड बाई एन बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनलिटी कैसे निकालेंगे ये मैं तुम्हें सिखाता हूं ठीक है तुम्हें ये पता है दैट टू पाई आर अपॉन वी से क्या निकलेगा टाइम पीरियड ठीक है टाइम पीरियड ऑफ दैट सर्कुलर मोशन और तुम्हें ये पता है दैट वन बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मतलब वी अपॉन टू पाई आर जो है वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है टू पाई तो चलो कॉन्स्टेंट है उसको हटा दो ठीक है तो तुम ये बोल सकते हो दैट फ्रिक्शन सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब देखना वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है कैन आई से वेलोसिटी ज प्रपोर्शनल टू जेड बाई एन ठीक है एंड तुम्हारा रेडियस किसके प्रपोर्शनल है एन स्क्वायर बाय जेड तो तुम ये बोल सकते हो दैट तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब ठीक है एंड दैट इज हाउ यू डिराइव इट तो प्रपोर्शनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह बहुत अगेन बहुत ही कंसेप्चुअल बात है काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है ना किसी भी ऑर्बिट में दैट इज जेड थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मेन्स में इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है दिस इज फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना दैट इज माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ठीक है तो अब तुम्हें अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो तुम इन दोनों का सम करोगे और तुम्हें क्लियरली दिख रहा है दैट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायेर अपॉन एन स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होता है ठीक है ध्यान रखना कन्वर्जन देख लेना व्हाट इज़ द कन्वर्जन बिटवीन जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉजिकल है ठीक है तुम ये अज्यूम करते हो दैट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी बेसिकली द दैनिटिक एनर्जी गेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन जिसको वन वोल्ट के अक्रॉस ऐसे छोड़ दिया गया है ठीक है सो so बेसिकली ये हो जाएगा वन ई ठीक है और चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कोलम्स एंड वन वोल्ट ठीक है वन ई वी इज इक्वल टू इतना जूल्स ठीक है तुम ऐसे ऐसे निकाल सकते हो फाइन अब देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें यहां पे दिया गया देखो यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट जो होती है वो होती है टेन की पावर सेवन ठीक है वो ध्यान रखना है ना और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए दैट वेव अगर मान लो कोई भी मान लो ये न्यूक्लियस है ठीक है ये तुम्हारा थर्ड शेल है तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है ठीक है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है थ्री से वो टू पे जा रहा है ठीक है तो कितना एनर्जी उसने रिलीज़ किया होगा वो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ तो वन उसका वेवलेंथ क्या होगा ठीक है यहां से यहाँ जाएगा मतलब उसने एनर्जी रिलीज किया एनर्जी रिलीज किया तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुआ तो उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा वो तुम इस फॉर्मूला से निकालते हो दिस इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायोयर अब तुम सोचोगे भैया इसमें एन वन क्या डाले एन टू क्या डाले वैसा डालो कि ये पॉजिटिव आए तो बेसिकली तुम जब इसको टू डालोगे तो ये बचेगा वन बाई फोर ये बचेगा वन बाई नाइन ठीक है आप सब ट्रैक कर दो क्या आ जाएगा फाइव बाय थर्टी सिक्स है ना ठीक है फाइव बाय थर्टी सिक्स और बेसिकली पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें यहाँ से लैमडा मिल जाएगा तो लॉजिक समझो ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है अगर टोटल एनर्जी जो है ना उसका तुम नेगेटिव ले लोगे ना तो दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी ठीक है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी भी से तुम बोलते हो कि तुम्हें अगर किसी भी पार्टिकल को आ, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक फेंकना है किसी भी ऑर्बिटल से ऑर्बिट से राइट right? तो अगर तुम्हें उसे इन्फिनिटी तक फेंकना है तो तुम्हें कितना एनर्जी सप्लाई करना होगा जितना उसका टोटल एनर्जी उस पॉइंट पे बस उसका पॉजिटिव ले लेना ठीक है और तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करना ठीक है तुम्हें ये पता है दैट एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच बाई टू पाई ठीक है तुम टू पाई को एम वी को इस तरफ ले आओ तो तुम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे टू पाई है एच अपॉन एम वी क्या होता है लैमडा तुम यह बोल रहे हो दैट टू एन लैमडा मतलब किसी भी ऑर्बिट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है किसी भी ऑर्बिट में तुम हमेशा यह देखोगे दैट ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस है दैट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ठीक है मतलब वहाँ पे या तो एक वेवलेंथ आप हाँ फिट हो सकती है या तो दो वेवलेंथ फिट हो सकती है या तो तीन वेवलेंथ फिट हो सकती है या तो फोर राइट सो दीज आर अ फ्यू एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स बट ये भी बहुत अच्छी चीज़ है अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो सबको पता ही होता है यू हैव लाइमन बामर पैसचन ब्रैकेट फंड ठीक है हम फ्रे राइट तो इसमें क्या होता है एक बार देखते हैं तो बेसिकली तुम्हारा लाइमन क्या होता है जब वन पे लैंड होता है ठीक है जब तुम्हारा एन इज़ इक्वल टू वन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है ठीक है चाहे वो इन्फिनी से करे टू से करे थ्री से करे वो होता है लाइमन फिर होता है तुम्हारा बामर ठीक है अब एक चीज़ लिख लेना लाइमन तुम्हारा क्या होता है लाइमन तुम्हारा यूवी रेडिएशन रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है बामर तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करता है बामर ही सिर्फ एक ऐसा है जो विजिबल विजिबल रीजन में प्रोड्यूस करता है वेवलेंस ठीक है बाकी ये जितने भी सारे हैं ना वो क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्रा ठीक है वो प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्रा तो इससे तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट एनर्जेटिक वर्सेस लीस्ट एनर्जेटिक तुम समझो मोस्ट एनर्जे मोस्ट एनर्जेटिक कौन सी होगी जो ट्रांजिशन इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे हो रही है ठीक है मतलब जब इन्फिनिटी से वन पे आ रहा है जब इन्फिनिटी से टू पे आ रहा है जब इन्फिनिटी से थ्री पे, पे आ रहा है उसे हम इसको पैच लाइमन का ये पैसचन का ये ब्रैक आ, ब्रैकेट का इन्फिनिटी से जब फोर पे आ रहा है और इसमें इन्फिनिटी से जब फाइव पे आ रहा है इसमें इन्फिनिटी से जब सिक्स पे आ रहा है ठीक है लीस्ट एनर्जेटिक क्या होता है कि जस्ट उसके इमीडिएट जस्ट उसके कंजेक्यूटिव राइट right, तो तुम देखोगे यहाँ पे टू से वन ठीक है यहाँ पे, th से two, यहाँ पे से थ्री से टू यहाँ पे फोर से थ्री अब तुम बोलोगे भैया थ्री से टू तो ठीक है अगर हमने यहाँ पे फोर से थ्री किया होता ठीक है चलो फोर से थ्री नहीं यहाँ पे अगर हमने वन से टू किया होता तो वो लीस्ट एनर्जेटिक क्यों नहीं होगी क्योंकि ये देखना तुम नोटिस करना दैट एनर्जी गैप्स जो है ना वो कंजेक्टिवली ऐसे हर बार कम होते जाती है तो हमेशा ऊपर से नीचे विल बी लेस एनर्जी देन नीचे से ऊपर ठीक है जैसे तुम वन से टू जाओगे या फिर थ्री से टू जाओगे इट्स ईजियर टू गो थ्री से टू देन वन से टू ठीक है तो तुम ये समझ रहे हो कि कंजेक्टिव वाले जो होते हैं ना कंजेक्यूटिव वो तुम्हारे लीस्ट एनर्जी वाले होते हैं तो इसको भी तुम फिल कर सकते हो फाइव से फोर ये हो जाएगा सिक्स से फाइव और ये हो जाएगा सेवन से सिक्स ठीक है तो अब हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं न्यूक्लियाई को लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले न्यूक्लियस भाई क्या होता है न्यूक्लियस तुम्हारा बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ठीक है ये हमें पता होता है एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स ठीक है जितने प्रोटॉन्स है जितने न्यूट्रॉन्स है दैट इज योर न्यूक्लियॉन्स ठीक है अब देखो अटोमिक नंबर क्या होता है अटोमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है? दैट अब देखो न्यूक्टेंट एन बाई थ्री ए क्या है एंड आर नॉट तुम्हारे यहां पे क्या है आर नॉट तुम्हारे की वैल्यू कितनी होती है 1 .1 10 की पावर माइनस फिफ्टीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं बेसिकली द मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखोगे मास नंबर लेना इन टू मास ऑफ यू नो द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ठीक है एंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विच इज़ फोर यू नो आर नॉट का क्यूब फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब तो थ्री ऊपर चला गया ठीक है अटोमिक मास यूनिट भाई ये सब डेफिनेशन है ये सब तुम्हें पता ही होगा एनी वेज कमिंग टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले आइजोटोप दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ठीक है और एग्जाम्पल्स भी तुम्हें यहाँ पे दिया गया राइट आइजो बार्स क्या होते हैं दीज आर दफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब तुम्हारा अलग अटोमिक नंबर है बट सेम मास नंबर है ठीक है सेम नाम सेम मास नंबर बट डिफरेंट अटोमिक नंबर इसे हम आइजो बार्स बोलते हैं आइजोटोन्स क्या होते हैं दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं ये देखो ये तुम्हारा क्या है दिस इज बेसिकली योर मास नंबर ठीक है ये हो गया मास नंबर ये हो गया तुम्हारा अटोमिक नंबर अटोमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो यहाँ पे कितने हैं दो न्यूट्रॉन है यहाँ पे देखो मास नंबर कितना है तीन माइनस वन ठीक है कितने न्यूट्रॉन्स हो गए दो दो और दो सेम है। यहां पे देखो फोर्टीन माइनस सिक्स न्यूट्रॉन्स हो गए आठ यहां पे सोलह माइनस आठ कितने न्यूट्रॉन्स हो गए आठ ठीक है तो इसलिए आइजोटो हो जाते हैं अब देखो आइजोमर्स क्या होता है तो बेसिकली एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर एंड द सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ ठीक है ये आइसोमर्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तुम्हें अगर पढ़ना है तो इसे क्विकली तुम रीड कर सकते हो इसमें अगर मैं पढ़ाऊं भी तो दैट इज़ नथिंग एडिशनल आई कैन मास डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसे कैसे कैलकुलेट करते क्या करते हैं देखो सुनो सबसे पहले तुम लेते हो कंस्टिट्यूएंट्स ठीक है ऑल कंस्टिट्यूएंट्स टू एंड्स इन द न्यूक्लियस ठीक है फाइन और फिर तुम क्या करते हो उससे तुम सब कर देते हो मास ऑफ द न्यूक्लियस अब तुम नोटिस करोगे यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा ठीक है तो तुम्हें बोला जाएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस इज सम 6.24953 समथिंग लाइक दैट और तुम्हें बोला जाएगा दिस इज़ मेड अप ऑफ थ्री प्रोटॉन्स एंड फोर न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन का मास है लेट से यू नो ऑफकोर्स दोनों का मास मोरल सिमिलर ही होता है बट वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में देते हैं ठीक है तो तुम जब सब्ट्रैक्शन करोगे हो सकता है तुम्हें पॉइंट ऐसा कुछ मिल जाए ठीक है तो ये होता है तुम्हारा मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं जितने भी प्रोटॉन्स हैं जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उन सबका पहले तुम इंडिविजुअली सम करो फिर उसके बाद पूरे न्यूक्लियस को पूरे न्यूक्लियस का जो मास है उससे सप्रैक्ट कर दो तुम्हें मिल जाएगा मास डिफेक्ट ठीक है ये जो मास डिफेक्ट है ना इसका बहुत यूज़ होता है तुम आगे देखोगे और ऑफ uh, कोर्स ये तो मास एनर्जी यू नो इक्विवेलेंस सबको पता है दैट ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर मतलब तुम तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड uh, किसी भी मास का एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है दैट मास इनटू स्क्वायर ऑफ द स्पीड स्पीड ऑफ लाइट ठीक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारा कुछ नहीं होता है बेसिकली तुम जब मास डिफेक्ट को ठीक है मास डिफेक्ट को जब तुम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है तुम्हारा एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ योर एंटायर न्यूक्लियर एनर्जी ठीक है मतलब उतना डेप्थ में भी तुम्हें नहीं समझना है तो लॉजिकली बस इतना देखो पहले तो मास डिफेक्ट निकालोगे मास डिफेक्ट तुमने निकाला बस उसको अब मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से दैट्स इट ठीक है तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर तुम्हें निकालनी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो पहले तुम बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे ठीक है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद तुम डिवाइड कर दोगे बाय द नंबर ऑफ न्यूक्न्स ठीक है नंबर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होते हैं सारे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ठीक है तो ये आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो मास डिफेक्ट इन द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर वो तुम्हें दे देता है क्या वो तुम्हें दे देता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ठीक है आगे चलते पैकिंग फ्रैक्शन ठीक है तो यहां पे क्या होता है यहां पे एग्जैक्ट न्यूक्लियर मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर तो मैं पैकिंग फ्रैक्शन देता है द लार्जर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अब जितना अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि वहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके होगी राइट तो डिके हो जाता है तो भाई रेडिएशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है इट कैन पेनीट्रेट आर यू नो बॉडी एंड इट कैन यू नो मेसअप आर डी एन ए तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है तुम देखोगे ये जो तुम्हारा आयरन फिफ्टी सिक्स है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियस है ना सबसे स्टेबल है और राइट और बाकी तुम ऐसे आगे जाते रहोगे तो ये गिरते रहेगा इसीलिए वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं यहाँ पे तुम बोलोगे भैया यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं शो होता क्योंकि उतना भाई वही नहीं होना रेडियो एक्टिविटी तब शो होता है कि बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ आ गए हैं अब न्यूट्रॉन्स उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ठीक है क्योंकि क्या होता है प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपल्शन करेंगे यहाँ पर उतने प्रोटॉन्स ही नहीं है भाई रिपल्शन करने के लिए ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है इसे तुम रट सकते हो राइट अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो तुम्हारी होती है ना उसमें क्या होता है एक तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियस होता है उस पर तुम एक पार्टिकल मारते हो फिर तुम्हारे एक न्यूक्लियस फाइनली कंपाउंड न्यूक्लियस आता है या तो या तो क्या हो सकता है कि तुमने जब पार्टिकल मारा तो वो डिके कर गया वो एक और प्रोडक्ट न्यूक्लियस दिया एक डॉटर न्यूक्लियस दिया और उसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी ठीक है क्यू वैल्यू क्या होता है इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एनर्जी रेस्ट मास का ये मतलब है उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है क्योंकि तुम सबको पता है दैट तो अगर वेलोसिटी होती है तो मास चेंज होता है कैसे चेंज होता है इस फॉर्मूला से ठीक है बट ये 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 घंटा कभी नहीं आएगा मेंस में बट चलो कोई नहीं ऑलरेट right, ये तो सिलेबस में भी नहीं है बट फाइन तुम्हें ये पता है दिस इज़ योर रेस्ट मास जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मास टेंस टू इन्फिनी ठीक है द क्लोजर यू गो टू द स्पीड ऑफ लाइट क्यू वैल्यू क्या होती है ना कि मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट में जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या है एक न्यूट्रॉन तुमने लिया है ठीक है और तुमने एक न्यूक्लियस लिया हुआ है ठीक है ये तुम्हारा रिएक्टेंट है ठीक है अब प्रोडक्ट में तुमने लिया हुआ है एक डॉटर न्यूक्लियस आ गया तुम्हारा ठीक है और मान लो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया ठीक है अब तुम क्या करोगे ना इसका सम निकालो इसके मास का सम निकालो इसके मास का सम निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो हमेशा ये वाला तो ज़्यादा ही होगा राइट ठीक है ये वाला ज़्यादा होगा तो अब जो डिफरेंस आता है ना ठीक है जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ठीक है बस अब न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है ना वो दो दो वे से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक होता है न्यूक्लियर फिशन एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन इस पर अभी काम चल रहा है तो तुम्हारा भाई काम कर रहा है ठीक है नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई बट हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन तुम्हें कम एनर्जी देती है फ्यूजन ज़्यादा एनर्जी देती है ये सन में होता है भाई तो यहाँ पे दो न्यूक्लियर फ्यूज़ होकर के बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं तो एक एग्जांपल इसका ये कि जब तुम्हारा यूरेनियम जो है ना वो स्प्लिट करता है यूरेनियम नाइन्टी टू होता है राइट सो यूरेनियम तुम्हारा स्प्लिट करता है इनटू दिस थिंग बेरियन एंड क्रिप्टॉन राइट एंड या सो दैट्स इट ठीक है और एनर्जी तुम्हारी रिलीज हो जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन जब तुम देखोगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में तुम दो हाइड्रोजन या फिर तीन हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ते हो तो तुम्हारा एक हीम बनता है और एक हाइड्रोजन आता है और तुम देखोगे यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज़ हो रहा है और यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है बट अभी हम ह्यूमंस के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम यू you नो know, इसे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो यहाँ पर तुम्हें बस ये याद रखना है क्यू वैल्यू क्या होता है तुम्हारा यू you नो know, एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेता है तो तुम्हें क्यू वैल्यू याद रखना है यहाँ पर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी याद रखना है क्या होता है तुम्हें मास डिफेक्ट क्या होता है वो याद रखना है बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ और नहीं पूछा जाएगा सो दैट्स इट मिलते हैं एक और वीडियो में